क्लास जो है उसने इस देश को कभी अपने बैठक पे या अपनी सभ्यतागत बैठक पे विकसित होने ही नहीं दिया। लुटियन के लोगों को वो बोला जाए भाई दो चार का नाम लो तो आप राजदीप का एक वो करण ठाकुर का लेंगे जो बोटाई लगा के अंग्रेज नहीं पहनते वो अभी भी पहनता है, जैसे राहुल गांधी भारतीय भाषा नहीं बोल पाता है। वो परसों तीन चार दिन पहले मैं उसको सुन रहा था, वो बोलना चाह रहा था पुनर्जन्म, वो क्या बोल रहा है पुण्य जन्म। ये एलीट को आप खत्म करिए, इनके पावर को एबॉलिश कर दीजिए, तो जो साधारण है उसमें नॉर्थ साउथ में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन मुसलमान भूल गया, लेकिन उसको जिस दिन याद आया मास स्केल घर वापसी हो गई यहाँ पे, और एक आदमी श्लोक बोल रहा है, उनको आशीर्वाद दे रहा है। अरे देखो यार उसको आंसू आ जाएंगे आपको। हाय मतलब आप मोदी भक्त, उसको मोदी को हटाइए, लोगों के एक्सप्रेशंस देखिए। ये बौखलाहट जो मोदी जी कर रहे हैं उससे उतनी नहीं है, पर इनको लग रहा है कहीं, जैसे कभी कभी आपको लगता ना आप उसको आर्टिकुलेट नहीं कर पाते कि प्रॉब्लम क्या, पर आपको लगता है प्रॉब्लम है, कुछ तो गड़बड़ है और बड़ी गड़बड़ है, लेकिन आप समझ नहीं पाते हो गड़बड़ क्या है। तो एलीट को ये लग रहा है, इसलिए वो लोग इनसे घबराए हुए हैं। एक तो था अपनी विरासत पे गर्व करना, और एक था कॉलोनियलिज्म, पुरानी जो गुलामी के सारे मुझसे बिल्कुल, और क्या अगर इसको फैला दिया जाए, यही तो काम है यार। दिस इज, ये हमारे वुंड को हील करेगा, ये हमारे घाव को हील करेगा। घाव को हील करना इस देश में बहुत जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम है जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। अकादमिक क्षेत्र में भारतीय जनमानस को भारतीय परिदृश्य से देखने वाले बेहद कम लोग हैं, और उनमें से एक व्यक्ति आज हमारे साथ हैं, श्री पवन गुप्ता जी, सिद्ध के संस्थापक। स्वागत है सर आपका। सर, इस वक्त हम सभ्यता के संघर्ष से एक सभ्यता के बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं। राम मंदिर हमारे सामने जो सबसे बड़ा उदाहरण है, तो ये जो सभ्यताओं का संघर्ष था और उसे सभ्यता के बदलाव की ओर, इस बीच आप इस जो कालक्रम है या कालखंड, उसे आप कैसे देखते हैं? मैं तो इसको बहुत ही एक मॉन्यूमेंटल चेंज, और ये कोई एक साधारण घटना नहीं है, ये एक, मुझे ऐसा लग रहा है, एक बड़ा काल परिवर्तन हो रहा है पूरे विश्व में और भारत में, और ये उसमें एक बड़ी चीज़ हुई है जिसका इतिहास भी है, और इसके आगे इसके जो इसके परिणाम होंगे या जो इसके प्रभाव होंगे जनमानस पे, लोगों पे और तरह की चीज़ों पे, वो हम लोग शायद अभी सोच कल्पना भी नहीं कर पा रहे। और मैं इसको इससे इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि ये भारत को, मैं ये मानता हूँ कि हम भारत के लोग बहुत सालों से, मतलब सदियों से, और सदियों का मतलब एक दो सदी नहीं, ये 800-900 साल से हम लोग घायल हुए हैं, और ये जो घाव है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आज तक इसको किसी ने भी, मेरे को याद नहीं है कि इसकी बहुत चर्चा हुई है सार्वजनिक क्षेत्र में। एक हमारे भारतीय मूल के ही थे, ट्रिनिडाड के लेखक थे, विद्यासागर नौपाल, उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, उनकी एक पुस्तक है इंडिया अ वुंडेड सिविलाइजेशन, तो वो उन्होंने ज़रूर इस बात पे इशारा किया, और महात्मा गांधी ने इस पे इशारा किया। ये दो लोगों का मैं नाम कह सकता हूँ, अदरवाइज पब्लिक स्पेस में, पब्लिक डोमेन में इस पे कोई बात नहीं हुई, बल्कि हम लोगों ने इसकी अनदेखी की है, अवहेलना की है, और इसे समझना बहुत ज़रूरी है। मैं इसको राम मंदिर के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ। देखिए, इस्लामिक युग में हम इसको हमेशा डिनाई ही करते रहे, हमारा जो एलीट क्लास है वो इसको डिनाइल में रहा है, पर हम पे अत्याचार हुए, ये बहुत ऑब्वियस है। मतलब उत्तर भारत में एक भी बड़ा मंदिर आपको दिखाई नहीं देता 1930-40 के पहले।
सीताराम गोयल जी का बहुत बड़ा काम है इस पे, और उनका कहना था कि करीब 10,000 मंदिरों को तोड़ा गया, और ये हमको बहुत बड़ा स्कॉलर होने की या बहुत बड़ा आर्कियोलॉजिस्ट होने की या हिस्टोरियन होने की ज़रूरत नहीं है, अगर अपना कॉमन सेंस लगाएं तो ये हमको दिखाई देता है। जैसे एक बार मैं राजस्थान गाड़ी से घूम रहा था तो हमारे एक मित्र ने हमको इशारा किया, ध्यान आकर्षण करवाया कि देखो राजस्थान में जयपुर को आप छोड़ दें, आमेर के इलाके को, बाकी आपको सार्वजनिक जगह पे कोई मंदिर जल्दी से दिखाई नहीं देता। जितने भी मंदिर हैं वो बनियों के घर के अंदर, उनकी हवेलियों के अंदर है। ये बहुत सोचने वाली बात है कि कैसे, क्यों बनियों के हवेली के अंदर मंदिर है या कुछ राजपूतों के किलों के अंदर मंदिर है, पर सार्वजनिक स्थान पे मंदिर आपको नहीं मिलेंगे। उसका कारण ये है कि हर शासक को व्यापारी वर्ग चाहिए, सामान इधर से उधर ले जाने, नहीं तो कामकाज रुक जाएगा। तो इन्होंने बनियों से ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की, वो डरे पर उनको छेड़छाड़ नहीं की, उनका धर्म परिवर्तन भी नहीं किया। तो बनियों को जब ये बात समझ में आई तो उन्होंने ये, क्योंकि बाहर मंदिर थे नहीं, तो उन्होंने अपने घरों के, अपने हवेलियों के अंदर मंदिर बनवाए और लोगों को कहा कि भाई यहाँ आके आप अपना पूजा कर लीजिए, यहाँ कोई आपको छेड़ेगा नहीं। ये बहुत रिमार्केबल बात, इस पर कोई शोध नहीं हुआ, इस पर कोई पुस्तक नहीं लिखी गई। हम जैसा मैंने कहा ना, हम डिनायल में रहे, ये सिर्फ उस बात के संकेत हैं कि, और मैं कभी कभी कल्पना करता हूँ कि उस ज़माने में जब मंदिर तोड़े गए, धर्म परिवर्तन हुआ, हम सब जानते हैं कि मतलब काफ़ी लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं भी जानते हैं कि मुसलमानों का जो इतना बड़ा हमारे देश में पॉपुलेशन है उसमें से 95% पसमंदा मुसलमान है, और ये पसमंदा मुसलमान हमारे हिंदू भाइयों से कन्वर्ट होकर के मुसलमान बने हैं। अब ये सारे के सारे अपनी मर्जी से तो नहीं बने होंगे, हो सकता है 10-15% मर्जी से भी बने हों क्योंकि दूसरे की देखा देखी, लेकिन ज़्यादातर तो ज़बरदस्त जबरन बने हैं। हमको ये भी मालूम है कि जजिया कर लगता था, हमको गुरुद्वारा शीशगंज साहब का पता ही है। तो ये जितने अत्याचार हुए और जबरन जब धर्म परिवर्तन हुआ, तो मैं कल्पना कर रहा था कि जिनका धर्म परिवर्तन हुआ जबरन, उनके मन पे क्या असर हुआ होगा। वो डरे होंगे, वो भयभीत रहे होंगे कई दिनों तक, वो उनको समझ में नहीं आया होगा कि ये हमारे साथ हो क्या गया, अब हम करें क्या, अपने देवी देवताओं को हम पूज नहीं सकते और ये जो नई तरीके हैं उनको हमको आता नहीं, और उसमें इतनी जल्दी फेथ ट्रांसफ़र नहीं होता कि आप आज किसी में फेथ कर रहे हैं और कल किसी और में करने लगे। तो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा होगा, और ख़ास करके आप महिलाओं का सोचिए, क्योंकि महिलाओं ज़्यादा जुड़ी रहती हैं अपने रीति रिवाज से, पूजा पाठ से, कर्म कांडों से वगैरह वगैरह, धर्म व्रत रखती हैं वगैरह वगैरह, वही संभाली हुई है ना एक तरह से धर्म, उन पर क्या गुजरी हुई होगी जिनका परिवर्तन हुआ धर्म। और जो बच गए, जिनका नहीं हुआ, वो डरे सहमे रहे होंगे कि कहीं हमारा भी नहीं हो जाए। और ये जब इस तरह का डर लोगों में व्याप्त होता है, तो आज एक बच्चे को अगर आप डर के माहौल में रखें तो वो जब बड़ा होता है उसका चरित्र कैसा बनता है। वो डरा हुआ रहेगा पर डर को अब छुपाएगा और झूठ मूठ की अकड़ दिखाएगा, वो चालाक बनेगा, छोटी मोटी चालाकियाँ करेगा, छोटे मोटे झूठ बोलेगा, अपने काम से काम रखेगा, ज़्यादा पंगा नहीं लेगा बाहर में। तो भाई पड़ोसी के साथ कुछ हो रहा है, छोड़ो अपने, कहीं हम भी फंस जाएंगे। तो हम संकुचित हुए होंगे, हम भयभीत हुए होंगे, हम पेटी हुए होंगे, हम छोटी मोटी चालाकियाँ, छोटी मोटी झूठ करने वाले हुए होंगे, जो आज हमको दिखता है अपने समाज में, हम कमज़ोर हुए होंगे। तो ये जो मानसिक रूप से हमको आघात लगा, वुंडेड सिविलाइजेशन, और वो मैं मानता हूँ कि वो मुसलमानों में भी लगा, पसमंदाओं में भी, हालांकि वो दो चार पीढ़ी के बाद उनको, क्योंकि शासक वर्ग उनके साथ था तो वो थोड़ा उससे वो मुक्ति मिली होगी। ये इस चीज़ को किसी ने एड्रेस नहीं किया। नौपाल साहब तो लिख गए, लेकिन एड्रेस अगर हुआ तो मेरे हिसाब से 1915 में जब महात्मा गांधी भारत आए, उस समय मैंने थोड़ा उनका लिखा पढ़ा है, मतलब 1915 से लेके 1924-25 तक का जो उनका लिखा बोला गया है
उसको मैंने गांधीबाग में से काफी अध्ययन किया उसका। तो उस समय उन्होंने जो भी किया उससे यहाँ के साधारण में एक जान आई है, और इसके आपको एविडेंस मिलते हैं। मतलब एक रोमा रोला का भारत करके किताब है, रोमा रोला आपको शायद मालूम हो, ये फ्रांसीसी थे और भारत के बहुत बड़े प्रशंसक थे, दार्शनिक थे, और उन्होंने मतलब भारत कभी नहीं आए पर उन्होंने रामकृष्ण पे जीवनी लिखी है, महात्मा गांधी पे लिखा है, भारत के ऊपर लिखा है, क्योंकि भारत बहुत बड़े मतलब एडमायरर थे भारत के। और यहाँ उस समय जो भी बड़ा आदमी भारत का विदेश जाता था, यूरोप जाता था, उनके यहाँ जरूर वो कुछ दिन रहता था, रुकता था, चाहे वो रविंद्रनाथ हों, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हों। गांधी जी जब 31 में गए वो भी वहाँ उसके घर गए, इस तरह से जो लाजपत राय जो लोग भी गए वो वहाँ उनके यहाँ उनकी मतलब घर पे रहते थे, क्योंकि उनको अपना सा लगता था और ये बहुत आवभगत करते थे। तो इनको वहाँ बैठे बैठे भारत के बारे में बहुत मालूम था और पता करते रहते थे। तो एक अंग्रेज था, पादरी था, मुझे अभी उसका नाम तुरंत याद नहीं आ रहा है, पर वो रोमा रोला से बात कर रहा है और वो ये कह रहा है कि देखो मैं जब 1907 में भारत में था, जब गांधी जी 1915 में आए, मैं 1907 में जब भारत में था तो यहाँ का जो आदमी है भारत का वो अंग्रेज़ों से आँख झुका कर बात करता है, उसकी आँख में आँख मिला के बात नहीं करता और बहुत सहमा सहमा रहता है। और उसके बाद मैं 10 साल बाद फिर से भारत आया 1917 में, तब तक गांधी जी को आए 2 साल हो गए थे। तो कहता है अब भारत का आदमी आँख से आँख मिला के अंग्रेज से बात करता है, एंड ही डेयर्स टू इंसल्ट द इंग्लिश मैन। मतलब उसमें ये तो वो बोलता है ये हिम्मत कहाँ से आ गई उसमें, तो वो इस हिम्मत को एट्रीब्यूट करता है महात्मा गांधी को। मैं एक बात की तरफ इशारा कर रहा हूँ, मानसिक वो जो घाव है उसकी ओर। और फिर वो मैं इसको यहाँ रोक करके दूसरी बात लाता हूँ। 1943 के आसपास की बात है, गांधी जी जेल में थे पूना में, आगा खान जेल में, और वहाँ पे सुशीला नैयर उनकी डॉक्टर थी, वो भी थी। तो सुशीला नैयर एक दिन उनसे पूछती है कि बापू आपने ऐसा क्या किया कि भारत का दीनहीन आदमी जो डरा सहमा था वो उठ खड़ा हुआ। तो गांधी जी कहते हैं कि मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, उसके मन में जो था जो वो कह नहीं पाता था फॉर वेरियस रीजंस, उसके पास शब्द नहीं थे, वो आर्टिकुलेट नहीं कर पाता था, वो डरा हुआ था, पर अंदर में बात थी, उसको मैंने कह दिया तो वो उठ खड़ा हुआ। ये उनका जवाब है, ये बात आप उससे सहमत हैं नहीं है ये प्रश्न नहीं है, ये उनका जवाब था। मुझे लगता है अभी जो हुआ 2014 से जो हो रहा है उसमें कुछ यही बात हो रही है कि जो ये सरकार के द्वारा कुछ चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो कर्तव्य पथ वाली बात हो, चाहे नेताजी की स्टैचू का इंस्टॉलेशन हो इंडिया गेट पे, चाहे उज्जैन की बात हो, चाहे काशी के मंदिर की बात हो, और अभी ये जो रामलला का मंदिर बना है, ये कुछ मतलब ऐसी बातें जो सबको पता है, इसकी वजह से पहली बार यहाँ के साधारण को ये लग रहा है बिना कहे कि अरे ये तो कुछ हमारी बात हो रही है, उसके साथ रेजोनेट हो रहा है, कुछ झंकृत हो रहा है। ये मेरा अनुमान है कि ऐसा हो रहा है। तो मैं उसको उसी चीज़ से रिलेट कर रहा हूँ जो कि गांधी जी के समय हुआ कुछ दिन, फिर 24-25 के बाद गांधी जी उलझ गए और कामों में या जो भी हुआ वो प्रोसेस वहाँ पर एक तरह से रुक गया। ये भी मैं उसमें थोड़ा ऐड कर दूं कि गांधी जी के आने के पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की तस्वीर आप देखिए कभी, बहुत सारी मिल जाएंगी आपको। तो वो जितने लोग हैं 30-35 लोग, वो लॉन्ग कोट पहने हुए हैं, टाई कोट लगाए हुए हैं, कोई हैट भी पहना हुआ है, पर कोई धोती कुर्ते में नहीं मिलेगा आपको। और उनके आने के 2-3 साल बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अगर आप तस्वीर देखें तो उसमें एक भी आदमी टाई कोट में नहीं मिलेगा, सबके सब खादी की धोती कुर्ते में है। तो ये कोई उन्होंने जबरन तो नहीं किया होगा, ये कोई परिवर्तन मतलब कोई उन्होंने डिक्टेटर तो थे नहीं कि नहीं साहब आपको ये पहन के आना पड़ेगा। तो ये जो होता है ना ये महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, ये महत्वपूर्ण बात है, इस पर हम लोग हमारा पढ़ा लिखा वर्ग ध्यान नहीं देता है। मुझे लगता है कुछ वैसी बात अब हो रही है। तो वो जो वुंड है
वो जो उस पर मैं वापस आता हूँ, वो जो घाव है, वो घाव इस्लामिक युग में रहा, फिर अंग्रेज आए, तो अंग्रेज़ों के युग में वायलेंस कम नहीं हुई, अंग्रेज़ों ने भी खूब वायलेंस की, उसका हमको पता नहीं है, मतलब अनुमान है पर उस पर कोई शोध नहीं हुआ है। 1857 में कितने लोगों को उन्होंने मारा, कोई आंकड़ा ही नहीं है हमारे पास, करोड़ों में लोग मरे हैं, और उनके और तरह के जुल्म हमको नहीं पता है। मतलब धर्मपाल जी ने थोड़ा काम किया, उसमें थोड़ा इशारा मिलता है, सुंदरलाल जी की किताब से थोड़ा इशारा मिलता है, लेकिन डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री कहीं नहीं दिखती है उसकी, क्योंकि हम लोगों ने काम ही नहीं किया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, वायलेंस तो उस समय भी रही, लेकिन उसके अलावा एक और ज़बरदस्त चीज़ कर दी अंग्रेज़ों ने, वो उन्होंने हमको शर्मसार किया कि आप छोटे लोग हैं, आप असभ्य लोग हैं, आप हीन लोग, आपका धर्म भी जो है वो दकियानूसी है, सुपरस्टिशियस है, अंधविश्वासी है, ये सब हमारे पढ़े लिखों में भर दिया। और उसका मैं आपको इंडिकेशन देता हूँ कि कलकत्ते में सबसे पहले ये शुरू हुआ, वहाँ का जो गवर्नर था बेंटिक, वो एक चिट्ठी लिखता है 1827 में, क्योंकि उस समय एक रेबेलियन हुआ था बैरकपुर के कंटोनमेंट में, भारतीय सिपाहियों ने उसी तरह का विद्रोह किया था करीब करीब जो बाद में मेरठ में हुआ है ना, पर उसको अंग्रेज ने कंट्रोल में ले आए, दबा दिया, तो पर घबरा बहुत गए, क्योंकि सिपाही विद्रोह से घबराते थे, मतलब जो लोग बोलते हैं ना कि हिंदुस्तान को आज़ादी भी उसी वजह से मिली, वो बात सही है, तो वो बहुत घबराए थे। पर 3 साल के बाद बेंटिक एक पत्र में लिखता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कि नाउ देयर इज नथिंग टू वरी बिकॉज द एजुकेटेड इंडियन हैज स्टार्टेड इमिटेटिंग आवर वेज, ही इज लीविंग हिज ओन वेज, और वो वेज उसके कौन से तरीके हैं, उसका वो उदाहरण देता है, ही स्टॉप्ड गिविंग आर्म्स एंड डोनेशंस टू साधुज एंड मेंडिकेंट्स एंड टेम्पल्स एट्सेट्रा, क्योंकि हिंदुस्तान का आदमी दान दक्षिणा बहुत करता है, बहुत करता है, हिंदू भी और मुसलमान भी दोनों, दो मुसलमान तो आज तक करता है, हिंदू ने छोड़ दिया, तो ये जो दान दक्षिणा करता है, वो दान दक्षिणा देना बंद कर दिया, और उस बचे हुए पैसे को वो अब खर्च किस में करता है, या तो हमको खुश करने में, टू एंटरटेन अस और टू बिकम लाइक अस, टू इमिटेट अस, दे अंडरस्टैंड साइकोलॉजी, हम अभी तक नहीं समझते इस बात को। तो ये जो बात हुई उस समय, ये बेंटिक करता है, ये उस बात का इशारा है कि हमको उन्होंने शर्मसार किया कि तुम्हारे तरीके ठीक नहीं है। और फिर बंगाल में निकला ब्रह्मो समाज, एक नया रिलीजन, वो ये था कि हिंदू धर्म को परिष्कृत करना है साहब, इसमें ये जो गंदगी है ये सबको मिटाना है, तो वो क्रिश्चनाइज करना हिंदू धर्म को, यही था वो, मैं तो यही मानता हूँ। उसमें बहुत बड़े बड़े लोग उसमें गए, मतलब इवन रविन्द्रनाथ का टैगोर का परिवार उससे प्रभावित हुआ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर वगैरह वगैरह, माइकल मधुसूदन दत्त, उस समय के बंगाल के बड़े लोग सब उससे प्रभावित हुए, और उसी तरह का एक मूवमेंट पंजाब की तरफ चला, आर्य समाज, उन्होंने भी अच्छा काम किया, मैं ये उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, पर ये रिएक्शन था कि हिंदू धर्म रेट्रोगेड है, पिछड़ा है, उसको परिष्कृत करके साइंटिफिक बनाना है, सैनिटाइज करना है, तो साहब इसमें फिर मूर्ति पूजा वगैरह को हटा दिया गया और बड़ा उसको वो किया गया, ये सब उस रिएक्शन में हुआ। पर हमारे मन में ये भाव चला गया पढ़े लिखों के कि हम ठीक नहीं है, मुसलमानों के काल में हम ठीक नहीं है भाव नहीं आया, हम डरे हैं। अब इसमें वो जो नीम और ऊपर करेला और ऊपर नीम चढ़ा वो वाला हो गया, ये घाव, इसका इलाज गांधी जी ने कुछ समय किया, उसके बाद खत्म हुआ ही नहीं। मेरा ये मानना है कि 47 के बाद अंग्रेजों ने सुनिश्चित किया कि यहाँ के सत्ता की बागडोर उनके जैसे आदमी के पास रहे, और नेहरू जी को बहुत बड़ा हाथ अंग्रेजों का रहा, उनको यहाँ पे मतलब वो सत्ता उनके हाथ में आए। और जो कहा जाता है मॉडर्न डेमोक्रेसी में 4 पिलर्स होते हैं, ठीक, चारों पिलर में नेहरू जी ने ये एकदम इंश्योर किया कि ये चारों के चारों पिलर्स उन लोगों के हाथ में रहें जो ये क्लास बन गई थी, जो बेंटिक बोल रहा है कि नाउ दे आर स्टार्टेड इमिटेटिंग अस, उस क्लास, वो क्लास का खूबी क्या है, वो अंग्रेजी जानती है, वो वेस्टर्नाइज कपड़े पहनती होगी वगैरह वगैरह, नहीं, विचार से भी विदेशी,
और अपनी चीज़ों को छोटा और हीन मानना, और इससे हम पूरी तरह से अपने को काट लें, मतलब रूटलेस, अपनी जड़ों से कटे हुए लोग हमारे एलीट क्लास है। ये दुनिया में कहीं नहीं है। एलीट हर जगह होता है, हमेशा रहेगा, लेकिन हर जगह का एलीट, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे चीन हो, चाहे रूस हो, वहाँ का एलीट अपने लोगों से इतना कटा नहीं है। मतलब अमेरिका का एलीट टाई कोट पहनेगा तो उसका साधारण भी टाई कोट पहनेगा, वो मंदिर जाएगा, वो चर्च जाएगा, वो भी चर्च जाएगा, या वो चर्च नहीं जाएगा तो ये भी नहीं चर्च जाएगा, ऐसे भी लोग मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो कोई साम्य ही नहीं रहा साधारण और एलीट के बीच में। और ये जो एलीट है कटा हुआ, जो अपने साधारण को, उसको बस बर्दाश्त करता है, उसको लगता है फूहड़ है, असभ्य है, काम कराने लायक है इसका मतलब, और इससे कोई, इसको तो पढ़ा लिखा के जरा सुसभ्य बनाएंगे फिर ये होगा। और ये इसके बिचारे के भी मन में ये बात घुस गई है अब कि अगर हमको आगे बढ़ना है, विकसित होना है, तो हमको अपनी चीज़ों से हट करके कुछ और एक मुखौटा पहनना होगा कि हम लगे कि साहब हम अब अभी हैव अराइव्ड, सो हमको एंट्री मिले उस क्लास में। तो इन्होंने चारों स्तंभों, चारों जो खम्भ होते हैं डेमोक्रेसी के, उसमें नेहरू जी ने जकड़ दिया इन लोगों से। उसके बाद कभी इस पे काम नहीं हुआ। थोड़ा सा काम अगर किसी ने किया तो मैं दो लोगों को मानता हूँ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय। वो लोगों ने थोड़ा काम इस पे किया, पर उनकी मैं तो मानता हूँ दोनों को मार दिया गया 67 में, जबकि उनका एक्सपेरिमेंट सफल हो गया, 12 राज्यों में यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट बन गई, तो इनको घबरा गए दोनों का साफ हो गए। ऑफकोर्स ये कोई एक की तो खैर दीनदयाल जी की तो लाश मिली थी, मर्डर क्लियर है, लेकिन दूसरे का मर्डर क्लियर नहीं है क्योंकि हॉस्पिटल में मर्डर हुआ। उसके बाद कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, मतलब इंक्लूडिंग वाजपेयी जी, वाजपेयी जी भी उसी क्लास को बिलोंग करते थे। मैं तो देखो बीजेपी का आदमी नहीं हूँ तो मैं साफ बोलता हूँ, वाजपेयी जी भी उसी क्लास को बिलोंग करते थे, वो एलीट क्लास को ही, और बाकी लोग तो थे ही। मतलब देखो खाली धोती पहनने से भी नहीं होता, कोई धोती तो पहनता है लेकिन विचारधारा से वही है। बहुत सारे कम्युनिस्ट धोती और कुर्ता पहनते हैं पर विचारधारा से विदेशी है, सोच से विदेशी है। ये पहली बार हुआ है कि हमारी सत्ता के एक स्तंभ में वो क्रैक हुआ है जिसमें ऐसे लोग घुसे हैं जो उस वर्ग से आते हैं जो एलीट नहीं है, है ना। और इसलिए, और ये लोग पावरफुल लोग हैं, ये लोग मजबूत लोग हैं, और इसलिए ये लोग इस तरह का कुछ चीज़ें कर पा रहे हैं जिसकी हम लोग बात किए, और वो इसलिए उसके साथ साधारण के साथ एक रेजोनेंस हो रही है, और वो बहुसंख्यक समाज वो है। हम लोग इस देश में बात करते हैं यार हिंदू मुस्लिम डिवाइड की, हम बात करते हैं जातियों की डिवाइड की, हम बात करते हैं अमीर गरीब के डिवाइड की, वो पचासों तरह के। सबसे इम्पॉर्टेंट डिवाइड है एलीट और नॉन एलीट का हमारे यहाँ। एलीट क्लास जो है उसने इस देश को कभी अपने बैठक पे या अपनी सभ्यतागत बैठक पे विकसित होने ही नहीं दिया, और इसलिए हम लोगों की वो जो एनर्जी है, जो पोटेंशियल है, वो अनयूज्ड रहा। अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि कुछ हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। अभी भी चाहिए 2-4-5 साल और चाहिए, क्योंकि वो अंकुर उठा है ना। अब उसको थोड़ा प्रोटेक्शन चाहिए ताकि वो एक पेड़ का रूप ले, तो और 5-7-10 साल लगेंगे, लेकिन वो हुआ है बड़ा। अच्छा सर, जो एलीट है जो कटा हुआ है अपनी जड़ों से, और जो अभी आम आदमी है या आम भारतीय है, तो इनके बीच का जो संघर्ष है इस वक्त का, इससे पिछले कुछ सालों में किस तरीके से डील किया गया होगा, या डील किया गया है, या और डील किया जाना अभी बाकी है? अभी तो डील करना पूरा बाकी है। अभी तो इन्होंने इतना ही किया है कि इनके जो कुछ काम हुए हैं इस सरकार द्वारा, इनकी जो भाषा है, इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो एलीट से नहीं मिलती है, और इसलिए एलीट बौखलाया हुआ भी है। ये जो बौखलाहट है, ये बौखलाहट जो मोदी जी कर रहे हैं उससे उतनी नहीं है, पर इनको लग रहा है कहीं, जैसे कभी कभी आपको लगता ना, आप उसको आर्टिकुलेट नहीं कर पाते कि प्रॉब्लम क्या, पर आपको लगता है प्रॉब्लम है, कुछ तो गड़बड़ है और बड़ी गड़बड़ है, लेकिन आप समझ नहीं पाते हो गड़बड़ क्या है। तो एलीट को ये लग रहा है, इसलिए वो लोग इनसे घबराए हुए हैं। बेसिक लालू यादव से नहीं घबराएंगे ये लोग,
मुलायम सिंह यादव से नहीं घबराएंगे, वाजपेयी जी से नहीं घबराएंगे, है ना, पर इनसे घबरा रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि पहली बार कोई ऐसा आदमी आ गया है जो कि फंडामेंटली हमसे डिफरेंट है, यू नो, और वो कटा हुआ नहीं है. इनको अपने कटाव का अब शायद थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कि इन्होंने कट तो गए. देखिए इनका भी ये कटे, क्यों कटे, क्योंकि इनको लगा हमको आगे बढ़ना है. आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, नकल करना है. तो अब नकल करने में आज का जो घाव से निकला हुआ 12वीं क्लास पढ़ा हुआ लड़का या लड़की, वो भी इसी चक्कर में लगी हुई है, उसको भी अपने माँ बाप पिछड़े लगते हैं, ठीक है, वो भी इसी चक्कर में है. और ये जो दिल्ली में लुटियन दिल्ली में जो बैठा हुआ है आदमी, वो भी यही कर रहा है, लेकिन वो 5 पीढ़ी से कर रहा है, वो 6 पीढ़ी से कर रहा है, 7 पीढ़ी से कर रहा है, ये 1 पीढ़ी से कर रहा है. तो इसका करना क्रूड है, थोड़ा भौंडा तरीके से ये करता है. लिपस्टिक लगाना अभी नहीं आता, नेल पॉलिश लगानी ठीक से नहीं आती, ये फैशन के कपड़े पहनती है, आपको लग जाता है यार क्या कर रही है, थोड़ा स्मार्ट नहीं हो रही अभी. तो 2-3 पीढ़ी में ये स्मार्ट हो जाएगी. वो उन लोग को वो सब आ गया, पर वो उनकी क्योंकि जड़ से कटे हुए आदमी का जड़ नहीं होती ना, तो कॉन्फिडेंस नहीं है उनमें भी. उनमें कॉन्फिडेंस सिर्फ इसी बात का है कि वो आपसे अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं, लेकिन जब कोई अंग्रेज आता है तो वो भी, उनकी भी हालत टाइट हो जाती है, दिखाते नहीं है. इस पर मैं बात कर सकता हूँ, मतलब ये सब साइकोलॉजिकल इश्यूज है. आप अगर बारीकी से देखेंगे तो आपको दिखेगा. मैं उदाहरण देता हूँ, जब न्यूक्लियर डील हो रही थी अपनी 2008 की ये बात है, शायद 7-8 की बात, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो उस समय एक ये कंट्रोवर्सी चल रही थी, शायद याद होगा पार्लियामेंट में वो अमर सिंह ने नोट वोट की बात की और उछाले गए उस समय. तो उस समय एक अमेरिकन सेनेटर इंडिया आया हुआ था, तो राजदीप सरदेसाई, वो तो लुटियन का आदमी है, मतलब है ना, मतलब अगर लुटियन के लोगों को रैप वो बोला जाए भाई 2-4 का नाम लो, तो आप राजदीप का एक वो करण थापर का लेंगे जो बोटाई लगा के अंग्रेज नहीं पहनते, वो अभी भी पहनता है. तो वो राजदीप सरदेसाई इसको इंटरव्यू कर रहा है, अमेरिकन सेनेटर को, उससे पूछता है व्हाट डू यू थिंक इंडिया शुड बी डूइंग इन दिस केस. तो वो अमेरिकन सेनेटर एकदम ही वॉज टेकन अबैक, मतलब हाउ कैन आई से व्हाट इंडिया शुड बी डूइंग, मतलब हिंदुस्तान क्या करे ये मैं कैसे बताऊं, मैं कौन होता हूं. ये वो कह रहा है और ये उससे पूछ रहा है. अब तुम इस रिवर्स कर दो इस सिचुएशन को, कि हमारा कोई एमपी अमेरिका जाए, क्या उधर का कोई भी तटपूंजिया भी पत्रकार ऐसे पूछेगा यू थिंक व्हाट अमेरिका शुड बी डूइंग, सवाल ही नहीं है. ये हमारी हालत है. तो मैं ये कह रहा हूं कि ये लोग पतले लोग हैं, दिखाते हैं, अकड़ के चलते हैं, क्योंकि इनको साधारण असभ्य लगता है और खुद ये सोचते हैं हम सभ्य हो गए. इनको देखो, जब ये इंटरव्यू करते हैं कोई धोती पहनने वाले से को इंटरव्यू करते हैं, और कोई चिदंबरम जैसे या जो जिसका जरा अंग्रेजी का उस तरह का एक्सेंट है उसको इंटरव्यू करते, देखो फर्क दिखेगा आपको. करण थापर का फर्क दिखेगा, उसके चेहरे के हाव भाव में दिखेगा. ये सब मनोवैज्ञानिक मामले हैं जिसको हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये देश क्योंकि घायल हैं हम, और इन लोगों ने और ज़्यादा घायल, ये खुद भी घायल हैं, ये जो कर रहे हैं ये सब नकल करके, और ये बिकॉज घायल हैं तो मरहम ये मुखौटा पहन के उसको डील कर रहे हैं, उसे डील होता नहीं है, और जो साधारण है वो भी घायल है. तो ये जो हो रहा है मैं इस नज़र से देखता हूँ कि ये बहुत बड़ी चीज़ उस सेंस में हो रही है. और ये काम जो आपने बोला, तो काम तो देखो करना पड़ेगा, बहुत तरह से होगा, बट बुनियादी काम तो शिक्षा में करना पड़ेगा. और शायद आप पूछेंगे कि ये जो नई शिक्षा नीति आई है इसमें हो रहा होगा, मुझे लगता है कि इससे दिस इज़ नॉट इनफ. क्यों? क्योंकि अगेन मामला कंटेंट का नहीं है, यहाँ पे कंटेंट पे काम हो रहा है. कंटेंट का काम का क्या मतलब है कि साहब आप अकबर को पढ़ा रहे थे, अभी तक औरंगजेब को पढ़ा रहे थे, अब हम उनको नहीं पढ़ाएंगे, हम महाराणा प्रताप को पढ़ाएंगे, शिवाजी को पढ़ाएंगे, ये एक तरह की बात हुई. लेकिन इतना काफ़ी नहीं है. मैं उदाहरण देता हूँ कहाँ प्रॉब्लम है. मैंने इस पर बहुत काम किया है, 6 प्रकार के टेक्स्ट बुक्स को मैंने एनालाइज किया है एक ज़माने में, मतलब 6 प्रकार, मतलब NCERT, ICSE, ठीक है, तमिलनाडु बोर्ड, यूपी बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, और शिशु मंदिर और RSS के जो स्कूल चलते हैं उनकी किताबें,
और मुझे सब में एक समानता दिखाई दी। कौन सी? उसका उदाहरण देता हूँ। यूपी बोर्ड की कक्षा 3 की एक किताब हुआ करती थी, आज भी शायद होगी, मुझे पता नहीं, ज्ञान भारती भाग 3 हिंदी की किताब है, हिंदी भाषा पढ़ाने की किताब है। उसको गांव का बच्चा पढ़ रहा है। उसमें एक पाठ है सरोजनी नायडू पे, उसमें एक पहली लाइन क्या है, सरोजनी नायडू बहुत होशियार थी, 5 साल की उम्र में अंग्रेजी में सुंदर कविता लिखती थी। हिंदी की पाठ्य पुस्तक में ये लिखा हुआ है पहले पन्ने पे, मतलब पाठ के पहले पहले। वो बच्चा जो स्कूल आ रहा है, आप थोड़ा कल्पना कीजिए उसके मन में क्या है अंग्रेजी को लेके, क्या है, पहले से ही है ना, स्कूल आने आ रहा है, उसके मन में पहले से कि अंग्रेजी तो बहुत तोप चीज़ है और मुझे तो ABC भी नहीं आता है, या थोड़ा बहुत कैट सैट डॉग लिख लेता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं आता है। और ये 5 साल की उम्र में अंग्रेजी में सुंदर कविता लिख लेती थी, पढ़ती नहीं थी, लिखती थी, और होशियार है। तो मैं तो होशियार होने का मेरा तो सवाल ही नहीं है, मैं तो 8 साल 9 साल का हो गया, अभी तक ABC नहीं आती, तो मेरा तो जीवन बर्बाद। ये होगा कि नहीं होगा उसके मन में, इसके लिए हमको कोई विशेषज्ञ होने की ज़रूरत नहीं है, कॉमन सेंस लगाने की ज़रूरत है। इस तरह की चीज़ें हमारी पाठ्य पुस्तकों में व्याप्त हैं। ये सिर्फ एक उदाहरण है, एक दो फोटो दिखा सकता हूँ मैं आपको, कक्षा 1 की क्लास की पुस्तक में, स्वच्छ वातावरण दूषित वातावरण, 2 फोटो है। दूषित वातावरण गाँव का होगा फोटो, उसमें एक भैंस है, एक गाय है, खेत है, एक उकड़ू बैठा हुआ आदमी दूर है, गोबर है, झोपड़ी है, ये दिखेगा आपको फोटो में। दूसरा स्वच्छ वातावरण में क्या दिखेगा, एक कमरा है, टेलीविजन लगा है, सोफा सेट लगा है, कारपेट बिछा हुआ है, एक आदमी सोफा पे बैठा, उसके बगल में एक औरत बैठी है, पतली दुबली, हमारी माएँ इतनी पतली दुबली नहीं होती, वो बैठी है, ये आदमी हैट लगाया हुआ है, कौन हैट लगा के बैठता कमरे के अंदर, और नीचे एक छोटी सी बच्ची बैठी है। अब लड़के को हटा दिया क्योंकि हम जेंडर सेंसिटिव हो गए, तो अब लड़की रहेगी, लड़का नहीं है, वो बढ़िया बात है, लेकिन ये स्वच्छ वातावरण और वो दूषित वातावरण, क्या भर रहे हैं आप दिमाग में। इस तरह की चीज़ें तमाम हमारे किताबों में है, इसको कोई एड्रेस जब तक नहीं होगा, तो मैं ये कहता हूँ कंटेंट अपनी जगह है, पर आप कैसे पढ़ा रहे हैं, उसके अंडरलाइंग वैल्यू सिस्टम क्या है, उस पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो नहीं होगा। और ये ध्यान तब तक नहीं जाएगा जब तक लिखने वालों का ध्यान नहीं जाए। ये जिसने लिखा होगा क्या सोचते हो, उसने जानबूझ के लिखा होगा? मैं नहीं मानता, उसका मानसिकता ही ऐसी है, वो तो बेचारे अच्छे मन से लिख रहा है, पर क्या करे, उसकी उसको खुद ही की मान्यता दिखाई नहीं दे रही है। ये जो काम है ये बड़ा काम है, ये हमको करना पड़ेगा। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में भी हमको शोध के तरीके बदलने पड़ेंगे, शोध किस चीज़ पे होता है उस पे करना पड़ेगा, पर आपके पास लोग कम हैं कम हैं, उनको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के लोग जो मिलेंगे ना वो आगे आएंगे नहीं, आगे तो यही लोग आएंगे जो वो हमको दे दो काम, वो तो अभ्यस्त हैं लुटियन की दिल्ली वाले, जो इस तरह का काम कर सकते हो तो अपने घर में बैठे हैं, आपको उनके पास जाके उनको बोलना पड़ेगा भाई हमारी मदद करो। ये करने के लिए आपको एक कुछ ऐसे लोग चाहिए जो इसको ढूंढें, उनसे बात करें, तो ये है, पर बुनियादी काम एजुकेशन के अलावा नहीं हो सकता। हम जब प्रधानमंत्री जब पंचप्रण की बात करते हैं तो क्या वो इसी उसका एक हिस्सा है या शुरुआत हो सकती है? एब्सोल्युटली, मैं तो जब वो 5 प्राण 22 की बात है शायद, वो 15 अगस्त 1922 की है, 23 की नहीं है, 22 की है, उसमें वो 2 बातें, एक तो था अपनी विरासत पे गर्व करना और एक था कॉलोनियलिज्म, पुरानी जो गुलामी के सारे मुझसे बिल्कुल, और क्या, अगर इसको फैला दिया जाए यही तो काम है यार, दिस इज, ये हमारे वुंड को हील करेगा, ये हमारे घाव को हील करेगा। घाव को हील करना इस देश में बहुत ज़रूरी है, और ये घाव, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये घाव हमारे साधारण का है, ये खाली हिंदू का नहीं है, ये घाव हमारे मुसलमान का, नॉन एलिट का है, वो कोई भी कहीं से किसी भी धर्म से मतलब नहीं है इसका, ऑफकोर्स हिंदुओं में ज़्यादा है, ये भी है, गांधी जी ने भी कहा है कि हमारा जो आदमी है वो डरपोक है, और हिंदू भी डरपोक है, मुसलमान भी डरपोक है, पर हिंदू मुसलमान से ज़्यादा डरपोक है, ये फ़र्क है, लेकिन घाव दोनों में है। तो हम झगड़ते हैं हिंदू मुसलमान को लेके,
वो झगड़ा इस झगड़े से कहीं कम, ये झगड़ा ठीक होगा वो अपने आप ठीक हो जाएगा, मैं ऐसा मानता हूँ। क्योंकि ये जो 4-5% मुसलमान हैं, अगर तुम और हम बैठ के एक लिस्ट बनाए कि किन किन मुसलमानों का तुम नाम जानते हो, तो मेरी शर्त है कि उसमें से 95% हम अशराफ का नाम लेंगे। हम जानते ही नहीं पसमंदाओं को, वो अशराफ जो है वो यहाँ के है नहीं, और उन्होंने ही मुगलों उस समय से लेके, मुसलमानों के काल से लेके अंग्रेज़ों के काल और अभी तक उन्होंने ही राज किया है। ये सलमान खुर्शीद जैसे लोग, ये लोग कटे हुए लोग हैं भाई, ये लोग यहाँ के लोग हैं ही नहीं। और ये लोग इन 95% मुसलमानों को गुमराह करते हैं, यही गुमराह करते हैं। पर मैं ये मानता हूँ कि ये जो प्रोसेस चलाया है मोदी जी ने, इसमें किसी दिन अगर मुसलमानों में ये चिंगारी उनको समझ में आने लगी, ये बात कि हमारे साथ तो धोखा किया है हमारे ही लोगों ने, अशराफों ने और ये मुल्ला मौलवियों ने, और उनको ये बात अपनी पुरानी बातें याद आने लगी जो अत्याचार उनसे वो भी गुजरे हैं, उन वो भूल गए हैं उस बात को, हिंदू भी भूल गया, लेकिन हिंदू को याद फिर भी कहीं ना कहीं याद है, क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स और डिस्क्रिमिनेशन वगैरह की वजह से उसको फिर भी याद है, लेकिन मुसलमान भूल गया। लेकिन उसको जिस दिन याद आया, मास स्केल घर वापसी होगी यहाँ पे, अपने आप होगी, मतलब हम लोग को विश्वास नहीं होगा कि ऐसे भी हो सकता है। और वैसे भी तुम देखो, ये जो पंच प्राण की आपने बात की, ये इसी से अपनी हमारी स्मृति हम भूल गए भाई, हमको इतिहास बोध नहीं रहा इस देश में, क्योंकि हमारी स्मृति विलुप्त हो गई। हमने क्या होता है ना, आदमी में ये टेंडेंसी होती है कि दुखी चीज़ों को वो भूलता है। हम व्यक्तिगत तौर पे भी हम देख सकते हैं, हमारे साथ कुछ बुरा घटा है उसको हम जल्दी से भूल जाते, बदले की बात छोड़ दो, किसी ने किया अपमान किया उसको हम याद रखते हैं, लेकिन अगर कोई चोट लगी, कभी बहुत ज़ोर से बीमार पड़े, कोई डेथ हो गई घर में, बहुत बुरा लगा, वी टेंड टू फॉरगेट इट, थोड़ा मोटा मोटा याद रहता है ये, क्योंकि अब सर्वाइव करना है ना, तो उसको याद करेंगे तो कैसे तो ये हमने जानबूझ के भी हुआ है हमारे साथ कि भाई बुरी चीज़ों को भूलो, पर बुरी चीज़ के साथ हमने अपना पूरा ही भूल गए, हम ना कुछ भी याद नहीं है पुराना। अब तो ये टाइम है कि हमको फिर से अपनी स्मृति जागरण कर हो, और स्मृति जागरण होने के लिए हमको कॉलोनियल हैंगओवर से मुक्त होना पड़ेगा। ये जो कॉलोनियलिज्म ने जो हमको एक हीनता दी है, नकल करने की प्रवृत्ति दी है, ये सारी चीज़ें से हमको मुक्त होना पड़ेगा, तो हम रिकनेक्ट कर पाएंगे अपनी जड़ों से। तो ये बहुत बड़ी बात बोली है मोदी जी ने उस टाइम, और अपनी विरासत पे गर्व करना, विरासत मतलब ये जो बीच का काल है उसको याद करते हुए इससे मुक्ति, और फिर रिकनेक्ट उससे जो उसके पहले की चीज़ें हैं, रिकनेक्ट करना, दैट डजंट मीन टू गो बैक, गोइंग बैक कुछ नहीं होता है, रिकनेक्ट होता है, फिर से अंकुर होगा, फिर से नया पेड़ उगेगा, पर वो जड़ें वही बीज वही रहेगा। सर, अयोध्या में राम मंदिर के संदर्भ में क्या इसे हिंदुओं का अमृतकाल भी कहा जा सकता है, उस रूप में भी देखा जा सकता है? ये एक प्रवाह शुरू हुआ है, मैं ऐसा मानता हूँ, और ये प्रवाह रुकने वाला नहीं है, ये ज़रूरी था, मतलब ये एक चीज़ थी यार, हमारे साथ 500 साल पहले हमारी चीज़ को ऐसे कर करके उसको, ये कोई मामूली बात थोड़ी ना, और राम कोई छोटे मोटे वो थोड़ी ना है, मतलब राम की प्रतिष्ठा तो पूरे विश्व में है, और साउथ ईस्ट एशिया तो भरा पड़ा है, आप कंबोडिया चले जाइए, आप थाईलैंड चले जाइए, आप वियतनाम चले जाइए, पूरी जगह मैंने सुना है कि हर जगह, मैं तो गया नहीं हूँ उतना, लेकिन मैंने सुना है कि हर जगह वहाँ पे अयोध्या, इस नाम का थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन हुआ है, अयोध्या नहीं है, अयोध्या है, पर इसी के आसपास के आपको नगर मिल जाएंगे वहाँ पे, वहाँ पे रामायण, मैं तो बाली तो गया हूँ, बाली में रामायण होती देखी है, कई जगह होती देखी है, और वहाँ पे इतने सुंदर सुंदर हर चौक पे आपको बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, हमारी तरह की भौंडी मूर्तियाँ नहीं, खूबसूरत मूर्तियाँ, एस्थेटिक, कहीं आपको भीम की मिलेगी, कहीं आपको लक्ष्मण की, राम की, हनुमान की, ये मिलेंगी इतनी खूबसूरत, तो ये तो सब पूरा रिकनेक्ट हो सकता है हमसे, पूरा नेपाल हमसे रिकनेक्ट हो सकता है। नेपाल तो तैयार बैठा है, मैं नेपाल को तो थोड़ा बहुत जानता हूँ,
नेपाल को तो नेहरू जी ने एलियनेट किया, मुझे मालूम है ये बात को। मतलब जब हमारी सरकार यहाँ आई तो हमारी सरकार के ब्यूरोक्रेट्स और पंडित नेहरू तक जैसे लोग नेपालियों को ऐसे ट्रीट करते थे जैसे ये असभ्य लोग हैं, कुछ आता जाता नहीं है। मैं आपको किस्सा सुना सकता हूँ, बीरपुर करके एक जगह है बिहार में, यहाँ पे कोसी डैम बना था एक ज़माने में, क्योंकि बाढ़ आती थी तो डैम बना। तो जिस दिन वो उसका इनॉग्रेशन था तो वहाँ के छोटे से डाक बंगले में एक समारोह रखा गया। नेपाल का राजा महेंद्र आए, हमारे पंडित जी गए, नेहरू जी, और नेपाल के एक दो उद्योगपति एक रामलाल गोलछा हुआ करते थे, वहाँ के बड़े थे, भारतीय मूल के लेकिन नेपाल के राजा के करीब थे और बड़े उद्योगपति थे, वो भी आए राजा के साथ। ऐसे 10-15 लोग होंगे, छोटा सा डाक बंगलो, वहाँ पे ब्रेकफास्ट का इंतजाम हुआ। तो नेहरू जी तो अंग्रेज़ आदमी, तो ब्रेकफास्ट भी अंग्रेज़ी बना, बेचारे जितना वो कर सकते थे तो अंग्रेज़ी क्या करेंगे, तो बेचारे टोस्ट बटर और अंडा वंडा इस तरह की लाए, और किसी तरह छुरी कांटा ये वो। तो जब वो आ गया, मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ, तो रामलाल गोलछा वो सोचा कि भाई मैं बड़े लोग बैठे हैं मैं सर्व कर दूं, तो उसने कभी वो टोस्ट और ये सब, मतलब वो तो पूड़ी पराठा रोटी खाने वाला आदमी, तो उसने टोस्ट लिया और वो जो मक्खन पड़ा था उसमें उंगली डाली और उस पर मक्खन ऐसे लगाने लगा। नेहरू जी ने लात मारी टेबल को, राजा के सामने, राजा भी बैठा हुआ है, गुस्सा हो गए, तमतमा गए कि कैसे असभ्य आदमी को लाए हैं कुछ। तो ये राजा का भी तो इंसल्ट था ना। और मैं वहाँ के कोयराला परिवार को एक ज़माने में बहुत अच्छी तरह जानता था, उनसे मैंने सुना है कि यहाँ के पूरे ब्यूरोक्रेसी, यहाँ का पूरा तंत्र वहाँ पे आके हम लोगों को यही बताता था कि तुमको अंग्रेज़ी नहीं आती, तुमको टाईकोट पहनना नहीं आता, तुमको छुरी कांटे से खाना नहीं आता, तुम लोग क्या हो, हम लोग हैं। ये इन लोगों ने किया, पूरी तरह एलिनेट किया। ये जो चीन के साथ गया है उसके ये भी कारण है कि हमने उनको हमेशा ही, जो हमारे साथ अंग्रेज़ों ने किया हमने नेपालियों के साथ किया। हम इस बात को, हम इस तरह से चीज़ों को देखते ही नहीं है, हम ऊपर ऊपर से देखते हैं, ये एड दे दी, वो एड नहीं दे दी, ये कर दिया, वो सब अपनी जगह है। लेकिन दी ये, मैं अगर तुम्हारे साथ आत्मीयता करूँगा, मैं तुमको, तुम ज़रूरत में हो मैं तुमको पैसे दे दूँ, वो एक बात है, और मैं तुम्हारे से अच्छी तरह व्यवहार करूँ, तुम्हारे कंधे पे हाथ रखूँ, तुमको अपना, तुम प्यार से बात करूँ, वो उसका मूल्य पैसे से हो सकता है क्या? वो हमने कभी उस चीज़ को देखना पड़ेगा ना। हम कैसे ये अंग्रेज़ों के सामने तो घिघियाते हैं, और जो ये हमारे नेबर्स हैं उनके सामने हम दिखाते हैं कि साहब हम यही किया अंग्रेज़ों के, नेहरू जी के काल में यही हुआ है, और इसकी ट्रेनिंग हमारे ब्यूरोक्रेसी को मिल गई है। तो ब्यूरोक्रेसी भी वैसे ही करता है। ये ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, ये कोई आदमी को आदमी समझते हैं क्या? नहीं समझते, नहीं समझते ये। और फिर एक कुछ कुछ आते हैं जो अच्छे लोग होते हैं, कभी कभी मेरे से मिलने आ जाते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ यार तुम इसमें कैसे, ये क्या हो जाता है तुम लोगों को? तो वो कई चीज़ें बताते हैं, उसमें से एक चीज़ बताते हैं कि साहब जिस दिन हम वो UPSC की तैयारी करने जाते हैं उस दिन हमारे ट्यूटर बोलता है कि तुम हिंदू अखबार पढ़ो, हिंदू नहीं पढ़ोगे तो तुम पास नहीं होगे। तो हिंदू पढ़ते पढ़ते वो विचार भी वैसे ही बनने लगते हैं, ये एक काम होता है। फिर यहाँ आते हैं तो यहाँ पे ये लोगों को बताया जाता है कि तुम तो राजा हो, और फिर वो जब STM की ट्रेनिंग के लिए लोग बीच में जाते हैं, जब फर्स्ट पोस्टिंग इनकी होती है, उसमें चारों तरफ का माहौल क्या होता है, यस सर यस सर यस सर, मतलब जैसे कोई भगवान आ गया है, और वो तो इनका दिमाग खराब हो जाता है, ये तो अपने को कलेक्टर ही, कलेक्टर शब्द क्या है जो कलेक्ट कर रहा है, अभी तक हम चला रहे हैं वो शब्दों को। आई थिंक ये सरकार रही तो ये सब चीज़ों में रिफॉर्म होना ही है और होना चाहिए, you know? ये सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं, लेकिन आई थिंक बुनियादी काम तो शिक्षा से हुए बिना ये होगा नहीं। और हिस्ट्री इज़ अनदर थिंग, हमारी हिस्ट्री हम लोगों को ठीक से देखनी पड़ेगी, और फिर से हम लोगों को उस पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। इतनी ये जो पूरा गैंग था हिस्टोरियंस का, उन्होंने तो तबाही मचाई हुई है हमारे पूरा इतिहास को झूठ लिख करके और हमको फीड कर दिया गया है। मैं समस्या मामूली नहीं है, आज का पढ़ा लिखा युवा अटपटा है भाई, मतलब उसको अभी भी
मोदी गले नहीं उतरते हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि वो पॉलिटिक्स समझता है, इसलिए नहीं कि उसको वैचारिक मतभेद है, पर वो क्योंकि वो देसी है, अंग्रेज नहीं है, ये प्रॉब्लम है। वो मंदिर जाते हैं, ये जो पढ़ा लिखा है इसको मंदिर जाके, माँ बाप तो जाते हैं, ये भी चला जाता है, लेकिन अनकंफर्टेबल है वहाँ पे। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं भी था ऐसा ही। हम अनकंफर्टेबल, हमको पता नहीं होता कि श्राद्ध है तो क्या करें, तो ये कोई ये जो अनुष्ठान होते हैं हमारे यहाँ, उसमें हमारा युवा, पढ़ा लिखा युवा अनकंफर्टेबल है, 90% युवा अनकंफर्टेबल है, अगर वो पढ़ा लिखा है तो। ये जो चीज़ है ना, इसको हमको एड्रेस करना पड़ेगा, ये डिसकम्फर्ट को। अच्छा, जो अभी जो मंदिरों में दिखता है, या यहाँ हरिद्वार हो गया, हर की पैड़ी, या ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट हो गया, वहाँ युवा दिखता है कि वो आया हुआ रहता है, मतलब वो तिलक लगा रहा है, माथा जो है चंदन से एकदम पटा हुआ, और कहीं राम लिखा हुआ है या कहीं त्रिशूल बना हुआ है, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो इसे आप कैसे देखते हैं, ये पुनर्जागरण है या फिर ये भी मतलब एक फैशनेबल उसमें चल रहा है? देखो, ये तो अभी तो ऐसे ही चल रहा है, गडमड सा ही है, और इसमें कोई ये सब मतलब, जब ये जो अभी अगस्त के महीने में, सावन के महीने में ये जो जल चढ़ाया जाता है शिव जी को, उस समय ये कावड़ वावड़ चलते, मैंने देख, ये तो आते हैं ना, मैं मसूरी रहता हूँ, बहुत ये लोग सब करके आते हैं मसूरी, कैंटी भी जाते हैं, बहुत बदतमीजी भी करते हैं, मतलब ये कोई सब सभ्य है ऐसा नहीं है, पर ये क्या भड़ास निकल रही है, ये मैं मानता हूँ ये दबे हुए लोग हैं, मन से दबे हुए लोग हैं, इसमें हीनता है, और ये फिर उस हीनता का जो प्रतिकार होता है वो इस तरह से, एक तरह की आक्रामकता, एक तरह का भौंडापन, एक तरह का इसमें भी निकल रहा है। ये सब फोड़े फुंसी जो हमारे रोग को दबाया गया इतने दिन, उसके फोड़े फुंसी निकल रहे हैं, ये सब शांत हो जाएंगे, इसको टाइम लगेगा, और ये कोई एक तरह कई तरह इलाज भी करना पड़ेगा, कुछ अपने आप समय के साथ ठीक भी हो जाएगा, लेकिन मैं इसको इसी तरह से देखता हूँ, ये कोई सब बहुत अच्छा है ऐसा नहीं है, इसमें बहुत बेकार की आक्रामकता, बेकार का, और किस तरह का गाना बजाते हैं, किस तरह का डिस्कोस डांस, ये वो, मतलब भजन के नाम पे सब हो ही रहा है, हम सब देख रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है, पर ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है। इसलिए जैसे अब मेरे को अगर बीमार हूँ, तो अगर मैं एलोपैथी इलाज ना कराऊँ, और मैं अगर आयुर्वेद का या नेचुरोपैथी का इलाज कराऊँ, तो वो बीमारी एक बार और भड़कती है, और फिर जा कर के वो शांत होती है, तो ये कुछ उस तरह का भी प्रोसेस है। आपने इतिहास की बात करी अभी, और इतिहास को लेकर के पहले ये था कि राम को लेकर के, राम के अस्तित्व को लेकर के ये था कि राम है या नहीं है, मतलब वो प्रश्न चिन्ह जैसे थे, राम काल्पनिक तो सीधा कहते थे राम काल्पनिक हैं, और फिर आ गए राम का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। तो ये जो शिफ्ट आया है, इसे आप कैसे देखते हैं? ये केवल राजनीतिक रूप से है या फिर समाज में भी वो चेतना आई है? नहीं, आप इसको अलग कैसे कर सकते हैं, ये जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ये काम बिना राजनीति के हो ही नहीं सकता था, तो इसमें ये बोलना कि ये राजनीति है, अरे भाई राजनीति है तो क्या हुआ, है ना, जो हो रहा है उसको देखो ना, और जो करेगा वो तो उसका लाभ उठाएगा, उसमें कौन सा मतलब, उठाए ना भी उठाए तो उसको उसका फायदा मिलने वाला है, और क्यों ना उठाए, आप जा करके इलेक्शन में जो रेवड़ियां बांटते हो वो राजनीति नहीं है, वो राजनीति नहीं है वो, और वो अगर राजनीति है और वो ठीक है तो इसमें क्या बुराई है, पर ये राजनीति से बड़ी चीज है, उस बड़ी चीज को देखे ना, राजनीति इज नॉट इम्पॉर्टेंट, राजनीति इज अ बाय प्रोडक्ट, राजनीति मे बी अ मीन्स, बट अल्टीमेटली जो हो रहा है वो सभ्यतागत चीज हो रही है, एक बड़ी सांस्कृतिक घटना घट रही है, उसमें हमारा जो पुराना जो दीनहीन आदमी है वो उठ खड़ा, उसको लग रहा है कि उसका कुछ हो रहा है, उसको कुछ मिल गया, उसके राम वापस आ गए। अब राम ऐतिहासिक है नहीं है, मैं मानता हूँ वो मैं आज आप सब लोग बोलते हैं हम डेमोक्रेसी, ये संविधान की शपथ लेते हैं, आप बोलते हैं आप मानते हैं या आप जानते हैं, हमको बताइए संविधान को कितने लोग जो शपथ लेते हैं रोज, कितने लोग जानते हैं, और संविधान खुदा है क्या, मैं पूछ रहा हूँ, संविधान जो 1947 में था क्या वो ही है आज, है कितनी बार बदला है, और फिर इंदिरा गांधी ने तो उसका फंडामेंटली बदल दिया,
तो कौन से संविधान को, जो जो 47 में जिसने कहा कि हम संविधान पे शपथ लेते हैं, और जो आज बोल रहा है हम वही नाम ले रहा है संविधान पे शपथ ले रहे हैं, क्या वो सेम संविधान है? तो किसकी बात आप कर रहे हैं? मान्यता में क्या प्रॉब्लम है? मान्यता में प्रॉब्लम क्या है? किसने बोल दिया कि मान्यता गड़बड़ चीज है? मान के ही तो सब चलता है। आप मानते हैं ना कि ये मेरी माँ है? आपने देखा क्या आपने पैदा होते हुए किसी ने बोला कि भाई ये आपकी माँ है? किसी ने बोला ये आपके बाप है? आप मान रहे हैं उसको? क्या प्रॉब्लम है? मान के ही तो चल रही है दुनिया। ये कौन से भ्रम में हम जीते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं? कुछ नहीं जानते हम, ढकोसला है ये। मान्यता बहुत बड़ी चीज होती है। जिस देश का करोड़ों आदमी मानते हैं वो इम्पोर्टेंट है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? वो मान के ही वोट दे रहा है कि आदमी हमारा भला करेगा, उसको वोट दे रहा है। आप आपको जो जो आप पे राज कर रहा है, जो आपका एमपी एमएलए है, उसको 100 अगर लोग हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो एलिजिबल है वोट देने को, उसमें से कितने लोगों को वोट, कितने लोगों के वोट से वो एमपी बना है? 30-35? क्योंकि 20-30 लोग तो जाते ही नहीं वोट देने। 70% लोग वोट देने जाते, 75% जाते। उसमें से जिसको 40% वोट मिल जाता है वो जीत जाता है। तो गुणा करो 7×4=28। 100 में से 30-32 लोग जिसको वोट दिए वो आप पे राज कर रहे। आप मानते हैं कि नहीं कि हाँ ठीक है ये भाई हमारे बहुमत का हमारा प्रतिनिधि है? मान रहे हैं ना? सच्चाई क्या है? 100 में से 50 ने भी नहीं दिया उसको वोट, पर आप इस सिस्टम को मान रहे हैं। तो मानने में क्या प्रॉब्लम है? आप एक तरफ मानते हैं उसकी अनदेखी कर रहे हैं। इस मान्यता को आप बोलते हैं मान रहे हैं। हमको प्रमाण, पहले तो आप मंदिर ही नहीं मान रहे थे, बोल रहे थे कि है ही नहीं मंदिर। फिर मंदिर मिल गया तो फिर उस दूसरी बात पलट गए। अब उस पर ज्ञानवापी पे भी ऐसे ही बोल रहे हैं। अभी कल ही किसी ने बोला हम तो खारिज करते हैं, हम रिपोर्ट को ही नहीं मानते। आपकी मर्जी है, मानिए मत मानिए, पर मान्यता बड़ी चीज होती है। मान्यता कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती है। ये रैशनैलिटी इज अ मिथ। अच्छा सर, जैसे राजनीतिक तौर पर जो नेतृत्व है वो पहले के मुकाबले, अब मतलब 14 से पहले और अब आप उसे उसमें क्या बदलाव आप देखते हैं, किस तरीके से? आप फंडामेंटल चेंज हो गया है। मैं बोल रहा हूँ ना, पहली बार सत्ता उनके हाथ में आई है जो यहाँ का बहुसंख्यक समाज है। 95% जो समाज है उन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स के हाथ में, उन लोगों के प्रतिनिधियों के हाथ में सत्ता आई है। अभी तक वो अपने को समझ रहे थे कि भाई ये सत्ता तो दूसरे लोगों के ही रहेगी, हम तो ठीक है, हमारी कोई हैसियत नहीं है, हमको जैसा बोला जाएगा हमको करना पड़ेगा वगैरह वगैरह, हमारे पास कोई ताकत नहीं है। पहली बार उनको लग रहा है कि हमारे लोग आए हैं उधर। भाई वो आर्टिकुलेट करें ना करें, मैं वो जो गांधी जी की बात फिर से याद दिलाता हूँ आपको कि मैं उनके मन में जो बात थी उसको मैंने आर्टिकुलेट कर दिया। वो बातें आर्टिकुलेट हो रही हैं आज के दिन, उनको दिख कहीं महसूस हो रहा है, आभास हो रहा है कि ये हमारी बात हो रही है, ये राम मंदिर हमारी बात हो रही है, ये जो मंदिर बना है ये हमारा मंदिर बना है, हमारे राम आए हैं। ये बहुत बड़ी चीज हुई है। तो ये 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 मतलब विस्फोट होगा इसका, मैं ऐसा मानता हूँ। सर मैं ग्राउंड पर रहता हूँ तो मैं कुछ लोगों से मिला और कुछ लोग नरेंद्र मोदी के प्रति मतलब इतना लोगों का लगाव कि वो ये मानते हैं कि वो सीधा अपने मुंह से ये कहते हैं कि ये भगवान है, ये भगवान का अवतार है। तो ऐसा क्या हो गया कि लोग जो है उनसे इतना जुड़ाव महसूस कर पा रहे हैं? मैं पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ। लोगों को अच्छा नहीं लगेगा कि गांधी जी के साथ में मैं उस प्रक्रिया के पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ। जब गांधी जी आए तो लोगों को ये लगा कि हमारा तारणहार आ गया है। शुरू में बहुत सारे गीत बने हैं। एक गीत बना था बिहार यूपी में, भोजपुरी में है कि धीरे बहु धीरे, ऐसे उसकी मुखड़ा है और फिर उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन है। उसमें डिस्क्रिप्शन में ये है कि भाई कभी तो तुम तीर कमान लेके आए, कभी तुम चक्र लेके आए सुदर्शन, इस बार एक लाठी लेके आए हो, कभी तुम तो राजकुल में जन्म लेते थे, कभी तुम बड़े घरों में, इस बार तुम एक मतलब बनिए के घर में जन्म लिए हो। इस तरह के गाने बने। लोग कोई ने जाके थोड़ी ना बनाया, आए स्वयं सुर। ये अब की बार भी यही हो रहा है। उनको लग रहा है कि उनका तारणहार आ गया।
अरे एक तस्वीर मैंने देखी, वो जब अभी तमिलनाडु गए थे तो वो एक रोड शो में जा रहे हैं और वहाँ पे ये सड़क पे खड़े हैं लोग और एक आदमी श्लोक बोल रहा है, उनको आशीर्वाद दे रहा है। अरे देखो यार उसको, आंसू आ जाएंगे आपको। हाय मतलब आप मोदी भक्त, उसको मोदी को हटाइए, लोगों के एक्सप्रेशन देखिए। उन लोगों को मतलब लगा कि जैसे हमको जेल से छूटे, क्योंकि वो बेचारे, वो उनको एकदम ऑस्ट्रेसाइज किया हुआ है तमिलनाडु में इन लोगों को। उन लोगों को लग रहा है कि अब हमारा समय आया है, शायद अब हमको जेल से रिहा मिलेगी। क्योंकि ब्राह्मणों को तो तमिलनाडु में हम सबको पता है क्या किया गया, मतलब पूरी सिलिकॉन वैली ही बोलते हैं इसलिए बनी कि वहाँ से ब्राह्मणों का बहिष्कार हुआ। तो वो लोगों को ऐसा लग रहा है, वो एक्सप्रेशन देखिए लोगों का। आप हम इंटेलेक्चुअल्स लोग जो हैं वो पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, ग्राउंड से कोई मतलब ही नहीं है। ये तुमने बहुत बढ़िया बात की कि ये ऐसा लग रहा है लोगों को, उनको ये इंटेलेक्चुअल्स अभी भी मूर्ख बोलेंगे। अरे तुम बोलो मूर्ख, पर जो हो रहा है उसको कैसे तुम डिनाई करोगे, वो तो हो रहा है ना। और ये एक में दो में नहीं हो रहा है, ये लाखों में हो रहा है ये बात। और ये इनको इसको कैप्चर करना चाहिए, क्योंकि ये जो आदमी है जिसमें ये हो रहा है उसको तुम मूर्ख कह रहे हो, वो दीनहीन है। उसी को तो डेमोक्रेसी तो उसी पे खड़ी है, उसी 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 पे तो आप उसका वोट लेकर के आप राज कर रहे हैं, तो उसको आप मूर्ख बोलेंगे? कैसे लोग हो भाई तुम? दिस इज देयर टाइम। आई थिंक मैं तो बहुत खुश हूं, ये उनका समय है, ये भारत का समय है। और ये आप और देखिए, मैं मानता हूं कि ये कुछ काल चक्र होते हैं जो सदियों में एक बार आते हैं। ये परिवर्तन मनुष्य की किए नहीं होता, ऑफकोर्स कोई निमित्त होता है, मोदी को मैं निमित्त मानता हूं, लेकिन एक बड़ा घटना चक्र चल रहा है। और वही दीनहीन व्यक्ति जब अपने प्रधानमंत्री को या प्रधान सेवक को जब रामलला के सामने साष्टांग प्रणाम करते देखता है, ओह बिल्कुल, और चमत्कार होता है उससे। और खास करके ये जो नया युवा जिसकी अपने बात कर रहे थे, जो अटपटा महसूस करने लगा था कि मेरे माँ बाप थोड़े पिछड़े हैं, और वो जब देखता है कि ये इतना बड़ा आदमी जब ये इस तरह के साष्टांग कर रहा है, इतने भाव से जब पूजा कर रहा है, तो भाई ठीक है, उसका थोड़ा वो हेजिटेशन, उसकी जो डिस्कम्फर्ट है डेफिनेटली कम होगा। ये हीलिंग है, ये उस घाव का भरना है, ये उस घाव पे मरहम लगाना है, ये हो रहा है बिल्कुल। सर जैसे जिस एलीट की हम शुरू में बात कर रहे थे, तो एलीट किस रूप में वो आम जनमानस से अलग है? सभी एलीट हैं या एलीट में भी उसमें भी किसी प्रकार हैं? ऑफ कोर्स प्रकार है, देखिए एलीट तो आप और हम भी हैं। जो भी एक दो पीढ़ी तीन पीढ़ी से पढ़ लिख लिया वो अपनी जड़ों से कटा ही है, थोड़ा कटा हो ज़्यादा कटा हो ये है। मैं 35 स्कूल चलाता था जौनपुर इलाके में, एक दिन एक लड़की मेरे स्कूल की टीचर आई मेरे से मिलने, मेरे से बात कर रही है, मैंने देखा दूर में एक आदमी खड़ा हुआ है, पजामा और कुर्ता और टोपी पहने हुए दूर खड़ा। मैं बोला कि इनको बुला लो, कौन है? नहीं नहीं हम तो बस आपसे बात करके निकल जाऊंगी, मतलब इग्नोर किया उसने, वो अवहेलना की, ठीक है हमारी बात हुई। बाद में मुझे पता चला वो उसके पिताजी थे। ठीक है, एक घटना। दूसरी घटना, शुरू शुरू के दिनों में स्कूल चलाता था, एक ये सब इंस्पेक्टर, स्कूल्स के इंस्पेक्टर होते हैं कोई, उनका जो भी होता है पोस्ट, पुरानी बात बता रहा हूँ, 25 साल पुरानी। ये वो आए मेरे पास और बोले कि पवन जी हमारे एक रिश्तेदार की बेटी है, उसको आप अपने स्कूल में शिक्षक की नौकरी पे रख लीजिए। तो बोला ठीक है बैठिए, चाय वाय पिलाई, गप लगाने लगा। तो मैंने ये यही चीज़ें बात की कि हमारे कितना हीनता, शिक्षा और हीनता की जो संबंध है उस पर। तो थोड़ी देर बाद वो खुल गया, अभी तक तो दूसरे उसमें था ना, मतलब वो अफसर है, और अब वो रिलैक्स हुआ। वो क्या बोलता है कि आप एकदम ठीक बोल रहे हैं, मेरा बेटा सेंट जॉर्जेस स्कूल में जाता है। सेंट जॉर्जेस मसूरी का एक एलीट स्कूल है, पुराना, 175 साल पुराना, अंग्रेजों का स्कूल है, कैथोलिक स्कूल है, कॉन्वेंट स्कूल है। मेरा बेटा वहाँ जाता है, 4 साल से जा रहा है, बड़े लोगों के बीच में बैठता है, उठता है, अंग्रेजी बोलता है,
मैं 4 साल से उसके साथ भोजन नहीं करता हूँ, वो अलग करता है मैं अलग करता हूँ। क्यों? मेरा इंसल्ट कर दे तो मुझे डर लगता है, क्योंकि वो तो भाई मैं ठीक है, मैं सब इंस्पेक्टर हूँ, सरकारी अधिकारी हूँ छोटा मोटा, लेकिन मेरा बैकग्राउंड अलग है, वो तो अंग्रेजी स्कूल वाला है। और वो अगर 200 रुपये मांगता है तो मैं दे देता हूँ, 400 मांगता है तो मैं दे देता हूँ, मैं कभी मना नहीं करता, कहीं मेरे को उल्टा कुछ जवाब दे दे तो। मतलब वो उससे भयभीत है अपने बेटे से, ये क्या बात है? ये वो घाव है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये हम सब उस क्लास को बिलोंग करते हैं, पर उस क्लास में ग्रेडेशन है। मैं मानता हूँ मेरे तुम्हारे जैसे लोग अभी भी अपनी जड़ों से कहीं ना कहीं जुड़े हैं थोड़े बहुत, वो थोड़ी कच्ची हुई है लेकिन जुड़ाव अभी भी है, और वही हमको बचा के रखा। मैं कभी कभी एनालाइज करता हूँ मेरे, क्यों? तो मैं एक कारण देखता हूँ, मैं हिंदी मीडियम स्कूल में गया, अंग्रेजी मीडियम में नहीं गया, मैं स्पेक्यूलेट कर रहा हूँ। दूसरा, मेरा गांव से रिश्ता रहा, हर छुट्टी मेरी गांव में बीती स्कूल के ज़माने में, तो मैंने गांव अच्छी तरह देखा, हमको उसकी एक अच्छी याद है, उधर का रहन सहन, उधर के मेल जोल, उधर के रिश्ते, उसका तरीके, वो मेरी मेमोरी में है। और मेरा बचपन डॉक्टर लोहिया के सानिध्य में बीता, हालांकि वो पूरे समाजवादी थे, पर वो आज के समाजवादियों से अलग थे। हम बेईमानी और ईमानदारी की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो है ही, लेकिन वो भारत के, मतलब वो देशभक्त थे, वो रामायण की बात करते थे, वो रामकृष्ण शिव की बात करते थे, वो अलग तरह के समाजवादी थे। तो इसलिए हम बच गए ये कुछ कारणों से। तो इस तरह के भी वर्ग है इसमें, ये एलीट होते हुए भी थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ। जो लुटियन की दिल्ली हम बोलते हैं, जो खान मार्केट गैंग बोलते हैं, वो कम्प्लीटली एलियनेटेड है। उसको शायद भारतीय भाषा, कोई जैसे राहुल गांधी भारतीय भाषा नहीं बोल पाता है। वो परसों 3-4 दिन पहले मैं उसको सुन रहा था, वो बोलना चाह रहा था पुनर्जन्म। वो क्या बोल रहा है? पुनर्जन्म। और पुनर्जन्म में उसको न तो फर्क समझ में आ रहा है, न उसको ये समझ में आ रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, मतलब कम्प्लीटली एलियनेटेड। ये एक क्लास है जिसको हम लुटियन का या खान मार्केट गैंग बोलते हैं। तो इसमें ग्रेडेशंस है, बंगाल में देख ग्रेडेशंस है। फॉर इंस्टेंस बंगाल, मैं बंगाल में बहुत रहा हूँ, बंगाल बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेट है। आप हिंदुस्तान का कोई और स्टेट देखिएगा ना, आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारे सब कल्चर्स हैं। जैसे महाराष्ट्र को ले लो, तो बंबई राजधानी है, लेकिन पूना का अपना एक कल्चर है, नागपुर है, नासिक है, और विदर्भ है, तो अलग अलग इलाकों के अपने अपने, उनकी अपनी एक कल्चरल पहचान है, थोड़ी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम, है ना। इसी तरह मध्य प्रदेश में इंदौर का अपना है एक, उसका खाना भोजन ये वो, है ना, उज्जैन का अपना होगा, ऐसे उसमें बहुत सारी आपको एक अलग अलग कुछ ना कुछ खासियत दिखाई देगी, उन कल्चरल रूट्स हैं। बंगाल में, कलकत्ते में, बंगाल राज्यसभा MPs को कभी एनालाइज करो बंगाल के, शायद ही तुमको कोई मिलेगा नॉन कैलकटन। सारे के सारे राज्यसभा MP और 90% लोकसभा MP कलकत्ते के मिलेंगे आपको। वो भले ही आसनसोल से या फलां से जीत के आए हों, हैं वो, उनकी रूट्स कलकत्ते में है कई पीढ़ियों से, दूसरे स्टेट में ऐसे नहीं मिलेगा। ये क्या बात है? मतलब पूरा बंगाली इंटेलेक्चुअल इज कन्फाइंड टू कैलकटा, रेस्ट ऑफ बंगाल इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम कैलकटा। क्यों? मैं इसको जोड़ता हूँ अंग्रेजों का वहाँ पे जो वर्चस्व था उसकी वजह से। कलकत्ता टोटली एलियनेटेड है, मतलब वहाँ का इंटेलेक्चुअल कंप्लीटली एलियनेटेड है। मतलब वहाँ की दुर्गा पूजा में वहाँ का इंटेलेक्चुअल जब जाता है तो वो रिलीजन को बाहर फेंक करके वो कल्चर को रखना चाह रहा है, ये सेक्युलरिज्म है। जबकि कल्चर और रिलीजन आर इंटरट्वाइंड इन इंडिया, इसको आप अलग कर ही नहीं सकते। तो बंगाल में दुर्गा पूजा होगी और कहीं पे रामलीला होगी और कहीं पे कुछ होगा, परंतु वो हिंदू जो सभ्यता है उसके साथ मिली हुई है।
ठीक है, पर बंगाल का जो कलकत्ते का जो इंटेलेक्चुअल है उसने पूरी तरह सैनिटाइज कर दिया है, उसने ये एक यूनिक वहाँ की चीज है। तो ये चीज़ें जो है ये इसको हमको बहुत अच्छी तरह स्टडी करना चाहिए कि ये कल्चरल अपरूटेडनेस जो हमारा हुआ है टोटली अपनी जड़ों से, ये बहुत बहुत हार्मफुल है। और ये वो खुद भी कमज़ोर हैं पर वो क्योंकि वो सत्ता उनके पास है तो वो मदहोश है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। बट अदरवाइज उनकी कोई पेंद मतलब वह होता है बिना पेंदा के लोटा है, उनकी सारी ताकत वेस्ट से आती है, इंटेलेक्चुअल ताकत। और राहुल गांधी जैसे लोगों को जॉर्ज सोरोस या उस तरह के लोगों से ताकत आती होगी, या हमारे उनके यूनिवर्सिटीज से ताकत आती है। मतलब इन लोगों के तरीके होते हैं कि इन लोगों को कैसे फीड करना है, आप एक लेक्चर टूर पे बुला लीजिए, आप कोई अवार्ड दे दीजिए, है ना, अवार्ड दे, अवार्ड की अपनी पॉलिटिक्स चलती है, ये सब चलते रहता है। लेकिन ये जिस दिन यहाँ वेस्ट की ताकत कम हुई, जो कि होना शुरू हो गई है, इनकी हालत आप देखिएगा क्या होगी। सर ये जैसे खान मार्केट गैंग की बात कर रहे हैं, या जो वो एलिट जो अपनी जड़ों से कट चुका है, उसका कितना प्रभाव है अभी भी? अभी भी है मीडिया में, उन्हीं का एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में वो लोग हैं, और एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल होता है समाज में ओपिनियन बनाने में, चाहे वो अमूल बटर का ही एडवर्टाइजमेंट क्यों ना कर रहे हो, या कोई दिग्गजम शूटिंग का क्यों ना कर रहे हो। ये मामूली चीज़ नहीं है, ये एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री को मुझे लगता है सरकार को देखना चाहिए बहुत बारीकी से कि ये कर क्या रहे। तो ये जितना मीडिया में ये लोग ही हावी हैं, आई मीन अपवाद रूप में कुछ कुछ मिल जाएंगे इधर उधर, पर थैंक्स टू सोशल मीडिया इस तरह के लोग अब आए हैं, जो लोग यू नो उनकी एक स्पेस खुली है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में, स्पेशली इंग्लिश में और हिंदी, हिंदी का तो मीडिया जो है वो हीन भावना से ग्रसित है, पूरी रीजनल मीडिया उतना ग्रसित नहीं है, तमिल मीडिया उतना ग्रसित नहीं है, लेकिन हिंदी मीडिया हीन भावना से बहुत ग्रसित है। यही वो बात नॉर्थ का में जो अत्याचार हुआ उसकी वजह से ज़्यादा। तो ये जो ये बहुत फ़र्क नहीं है हिंदी मीडिया और अंग्रेज़ी मीडिया में, अंग्रेज़ी मीडिया वाले जरा अकड़ के ज़्यादा चलते हैं, ये थोड़ा कम अकड़ के चलते हैं। पुण्य प्रसून जोशी की हाव भाव देखो ना, ड्रेस सी, आप अपने को एक दृष्टि डेवलप करनी चाहिए साइकोलॉजिकली देखने की, बॉडी लैंग्वेज देखो, उनके कपड़े देखो, उनकी चीज़ें देखो, कैसे बात करते हैं, क्या बात करते हैं, विचार आयातित, तरीके आयातित, भाषा उसी तरह की। तो ये लोग उसमें अभी भी वो लोग हैं, हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि 100%, एंड अगेन बिकॉज ऑफ मेनली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल्स, ये वो कई तरह की चीज़ें खुली हैं, लेकिन अभी ब्यूरोक्रेसी में 90% वो लोग हावी हैं। ओके, जुडिशरी में डेफिनेटली वो लोग हावी हैं, डेफिनेटली वो लोग हावी हैं। तो अभी भी काम बहुत है, लेकिन क्रैक शुरू हो गया है, और जो इन्होंने प्रोसेस शुरू कर दिया, जो ये आग लग गई है, लगाई नहीं है, लग गई है, इग्नाइट हुआ है कुछ, ये तो अपना पकड़ेगा मोमेंटम। ये हीन भावना की आपने जो बात करी, तो अंग्रेजों ने हीन भावना भरनी शुरू करी, तो क्या जो कांग्रेस इस वक्त नॉर्थ साउथ साउथ डिवाइड की जो बात करती है, ये क्या उसी का एक्सटेंशन माना जाना चाहिए? नहीं, डिवाइड दे थ्राइव ऑन डिविजन, अंग्रेजों से सीखा ना, राज ही करना आपको डिवाइड करके। देखिए ये नॉर्थ साउथ डिवाइड अब नई बात शुरू करवा दी इन्होंने, नेहरू जी ने पहले तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स बना के ही, मुझे तो लगता है वो गड़बड़ हुआ, फिर इन्होंने हिंदी को एक हवा बनाया कि हिंदी अब इम्पोज होने वाली है, इंटेंशन नहीं था, ये पॉलिटिक्स थी, हिंदी का डर दिखा करके बैकडोर से अंग्रेजी ले आए जो उनको लानी थी, कोई ज़रूरत ही नहीं थी ये करने की। हिंदी का डर क्यों दिखाएंगे आप? आप बोलते भाई, आप तमिल में बोलिए, आप तेलुगु में बोलिए, और हम ऐसे कॉमन कम्युनिकेशन के लिए हम जो भी सोचेंगे, जब तमिलनाडु अगर सेंटर से कम्युनिकेट करेगा तो तमिल में करेगा, उसका जवाब अंग्रेजी में दिया दिया जाएगा, ठीक है, पर तमिल में करिए, प्रोमिनेंस तमिल को दीजिए। तो ये सब किया जा सकता था, बट इन्होंने डर दिखाया हिंदी का, जो कि फॉल्स था, क्योंकि नोइंग फुल्ली वेल कि मैं जब ये करूँगा तो वहाँ से रिएक्शन आएगा तो मैं अंग्रेजी को बैकडोर से ले आऊँगा। यही कांग्रेस ने तो यही किया ही है, कांग्रेस जितना बेड़ा गर्क इस देश का कांग्रेस ने किया है, ये कोई मामूली नहीं है। और ये सारी की सारी, क्योंकि हम आज़ाद हुए ही नहीं एक तरह से, 47 की तो पूरी एक
आई मीन मैं नहीं मानता कि हम आज़ाद हुए. उसके पहले का मैंने पहले भी बोला है, वो रूजवेल्ट का एक वक्तव्य है जो वो ब्रिटेन के एम्बेसडर को बोलता है अपने व्हाइट हाउस में बुला के 42 में. रूजवेल्ट जो है, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, वो अमेरिका का बहुत बहुत ही पावरफुल राष्ट्रपति हुआ है. उसने मॉडर्न अमेरिका को एक तरह से जितनी इंस्टीट्यूशंस का है उसी की कल्पना है, वर्ल्ड बैंक, IMF, UN, जिससे कि अब उनको पता चल गया था कि अब हम कॉलोनियलिज्म, जो दूसरे देश में जा करके राज करने वाला जमाना चला गया है ना, अब हमको दूसरी तरह से करना पड़ेगा. तब ये सिस्टम्स और इंस्टीट्यूशंस के बल पे राज करने की नीति अपनाई गई. तो उसका जो प्रणेता है एक तरह से रूजवेल्ट है, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट. फ्रैंकलिन रूजवेल्ट बुला के बोलता है इंडियन एम्बेसडर को 42 में, ब्रिटिश एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट्स, कि तुम हिंदुस्तान को कब आज़ादी दोगे तो तुम्हारा मामला है, लेकिन मेरी एडवाइस है कि मेक श्योर दैट इंडिया स्टेज इन द वेस्टर्न ऑर्बिट इंडिपेंडेंस के बाद भी. इसका मतलब क्या है, वेस्टर्न ऑर्बिट का मतलब क्या है? सिस्टम वो ही रहे, सोच वो ही रहे, ऐसे लोगों के साथ पास सत्ता जाए जो जिनकी सोच पश्चिमी हो गई है. तो भले ही उसके बाद रूस का प्रभाव इधर ज़्यादा हुआ आज़ादी के बाद, लेकिन देखो ऐसा होता है कि माफिया लोग जब झगड़ते हैं, माफिया, जब गॉडफादर फिल्म देखी हो या अपने बम्बई के उस ज़माने में जब वो कौन था, बाखिया थे और एक नटराजन थे और हमारे ज़माने वो एक और मुसलमान था, मस्तान, हाजी मस्तान, तो ये लोग सब बम्बई के डॉन थे. तो इन लोग क्या करते थे, ये इलाका मेरा है, वो इलाका तुम्हारा है, वो इलाका तुम्हारा है, मैं शराब का बिजनेस करूँगा, तुम अफीम का करना, तुम फलां का करना, हम आपस मतलब हम दुश्मन हैं लेकिन हमने एक तरह की पीस अपने में समझौता कर लिया, जो अब इंडियन अलायंस में हो रही उसी तरह की चीज़ हो रही. तो ये हुआ. तो ये लोगों ने भी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर देश ये बांट लिया कि भाई इधर तुम, ये तुम्हारी टेरिटरी है, ये हमारी टेरिटरी है. तो हिंदुस्तान रूस की टेरिटरी हो गई, इतना ही हुआ और कुछ नहीं. देख, और आप कम्युनिज्म हो या आप कैपिटलिस्ट हो, सोच तो वेस्टर्न ही हुई ना. तो ये नेहरू जी आ गए और हम उस ऑर्बिट में चले गए. और आप ये मत भूलिए कि तब तक इंग्लैंड में सोशलिस्टों का बहुत बड़ा प्रभाव था, हो गया था. ये जो वहाँ की लेबर पार्टी है, ये इट वॉज इन्फेस्टेड विथ लेफ्टिस्ट. तो हम उधर चले गए लेकिन वो प्रभाव पश्चिमी ही रहा. तो नेहरू जी ने वही काम किया. नेहरू जी को न हिंदू बर्दाश्त था, न साधारण बर्दाश्त था. मतलब वो कहाँ, एक है ना कि साहब वो बोले कि साहब गाय की हत्या बंद करनी है, तो वो सुनते हैं कि उन्होंने कहा कि व्हाट विल हैपन टू माय लंच, मैं तो बीफ खाता हूँ. तो यू नो इस तरह के वो आदमी थे. वो कोई, जब राष्ट्रपति बने हैं राजेंद्र प्रसाद, तो वो तो देसी आदमी थे, तो वो धोती कुर्ता पहनते थे. तो इन्होंने कहा कि नहीं साहब, ऑफिशियल फंक्शन में आप धोती कुर्ता नहीं पहन सकते. नेहरू जी ने इंसिस्ट किया, हाँ तो आप पहनिए धोती कुर्ता, लेकिन ऑफिशियल फंक्शन में आपको या तो पैंट पहनिए या चूड़ीदार पहनिए. मेरे, हमको ये बताओ, चूड़ीदार और ये शेरवानी हिंदुस्तान में कौन पहनता है यार, उस जमाने में भी और आज भी? कोई एकाध नवाब पहनता होगा. आम आदमी तो धोती पहनता था, कुर्ता पहनता था, लुंगी पहनता था. ये ड्रेस वाली कहाँ से आई, नौटंकी वाली? उसको इंसिस्ट किया, वो उनको पहनना पड़ा. मतलब बहुत सारी बातें हैं. नेहरू जी ने पूरा ऐसा किया कि हमको अपने, अपनी जमीन पे हम खड़े हो ही ना सके, घोट के रख दिया, दम घोटा चारों तरफ से, नकेल मान दी. उसी तरह के लोग काबिज हो गए, उसी तरह के लोग इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में प्रमोट होने लगे. फिर रशिया उनके साथ ही था, वैसे ही लोगों को अवार्ड देने लगे, ये करे, प्रमोशन करने लगे. आज हो रहा है, रवीश कुमार को प्रमोट किया जा रहा है, अमर्त्य सेन को प्रमोट किया जाता है, ये राजन को प्रमोट किया जाता है जो एक्स गवर्नर
इस तरह के लोगों को प्रमोट किया जाता है। तो आम आदमी तो सोचेगा ना, बड़े लोग हैं, उनकी बात सुननी है, ऐसे इन्फ्लुएंस होता है। सर, जैसे पश्चिमी प्रभाव को कम करने के लिए, या फिर ये नॉर्थ साउथ डिवाइड है, इसकी काट जो है, जैसे हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं या काशी तमिल संगमम की बात करते हैं, तो वो क्या उसकी काट बन सकता है? बिल्कुल है। और ये जो मैं बहुत बोल रहा हूँ, ये एलीट को आप खत्म करिए, इनके पावर को एबॉलिश कर दीजिए, तो जो साधारण है उसमें नॉर्थ साउथ में कोई डिफरेंस नहीं है, उसमें हिंदू उसमें मुसलमान में भी डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा नहीं है, छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं, नॉर्थ साउथ में भी कोई डिफरेंस नहीं है। ये आर्टिफिशियल लोग क्रिएट करते हैं, ये एलीट क्लास क्रिएट करता है। वो उस डिफरेंस की बात नहीं कर रहा जिस डिफरेंस की हम लोग बात कर रहे हैं, एलीट वर्सेज नॉन एलीट, एंड दैट इज द प्राइमरी प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, नॉट नॉर्थ साउथ, नॉट हिंदी नॉन हिंदी, नॉट मुस्लिम हिंदू, दिस इज द प्राइमरी। इसको अगर एड्रेस हो जाएगा, ये सारे धूमिल हो जाएंगे, ये छोटी लकीरें हैं, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। नॉर्थ साइड तो एकदम स्टूपिड है, कुछ है ही नहीं। मतलब हम तो साउथ बहुत में जाता हूँ, मेरे सबसे इंटेलेक्चुअली सबसे क्लोज लोग मेरे पास साउथ, मेरे साउथ के लोग हैं, मेरे मित्र लोग। मुझे तो वहाँ जाके इस प्रकार अच्छा लगता है कि यार घर में जा रहे हैं तो जूते खोल रहे हैं, है ना, उनके यहाँ ये सब कुछ चीज़ें अभी भी बची हुई हैं और बहुत नॉर्मल है। बड़े फाइव स्टार होटल में भी जाओ तो वहाँ आपको आदमी मिल जाएगा बिना चप्पल पहने, नंगे पाँव और लुंगी पहने हुए शान से, और मुझे देख के लगता है यार ये नॉर्थ में तो पॉसिबल ही नहीं, घुसने ही नहीं देगा वो बाहर वाला चौकीदार, ये क्या गेटमैन यहाँ शान से घूम रहा है, वो कितनी बड़ी बात है। तो ये तो भारत यही था कोई ज़माने में ना, हम लोगों ने गड़बड़ किया है। तो हमको तो साउथ से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, और देर इज़ नो डिवाइड, वहाँ का आदमी में कोई डिवीजन नहीं है नॉर्थ को लेके। ये लोग, ये द्रविडियन पॉलिटिक्स का हिस्सा है जो ये सब करते रहते हैं। एक ज़माने में ये तो ये चलाते थे कि राम तो दक्षिण में पूजा ही नहीं जाता, वहाँ तो रावण की पूजा होती है, क्या बकवास यार। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले साउथ में ही रहे। हाँ, तो कितने मंदिर है और कितने नाम है, अभी मैं कोई भेजा मुझे कि राम नाम से साउथ में कितने स्थान है, रामेश्वरम एक ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे हैं जो राम के नाम से हैं। तो ऐसे ही हो गया क्या? नहीं नहीं, ये सब फालतू बातें हैं, इसको तो हमको एकदम खारिज करना चाहिए, दिस इज रिडिकुलस। तो आपको लगता है कि वो खारिज करने की जो जो मतलब ऊपर जो बैठे हैं जैसे पीएम मोदी हैं, वो उस लेवल पर हैं कि वो उनको खारिज करें? कर रहे हैं ना, वो कर रहे, बिना बोले कर रहे हैं, यही तो उनकी खूबी है कि वो बोलते ही नहीं है इन लोगों को, आर्ग्यू ही नहीं करते, इनसे आर्ग्यू करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आर्ग्यू करके अपने को छोटा करना है, आप अपना काम करते जाइए। मैं तो बोलता हूँ हमको वेस्ट को देखना बंद कर देना चाहिए और इन लोगों को देखना बंद कर देना चाहिए और अपना काम करना चाहिए, क्योंकि इनके मुंह लगने से हम अपने को नीचा कर रहे हैं, हम उस लेवल पे ला रहे हैं। जैसे ये आर्यन थ्योरी है, इसको अभी जस्ट इग्नोर इट, रबिश, हमको उसका काउंटर आर्गुमेंट देने की हर समय जरूरत नहीं है भाई, हम नहीं मानते इसको। सर, इसको अब समेटने की कोशिश करते हैं कि जैसे एलीट से हम शुरू कर रहे थे, तो एलीट की ही बात है, पीएम मोदी के एक एक बात कहने पे, जैसे वो जब कहते हैं कि आप राम ज्योति जलाइए, तो तब अंबानी से लेकर के और एक जो सड़क के किनारों पर जिन्हों जो छप्पर में रह रहे हों उनके घरों तक भी, बिल्कुल वो थाली जब जलाई थी तभी कोविड के टाइम में, बिल्कुल थाली हो या घंटी बजाना हो वो सारा कुछ, तो वो फर्क जो है बीच का फर्क ना, वो क्या कम हुआ है, कट गया है? वो प्रोसेस, प्रक्रिया शुरू हो गई है और ये कोई मामूली चीज़ नहीं हुई है और जो हो रही है, कि इस आदमी के कहने से ये होने लगता है, इसीलिए तो मिर्ची लगती है इन लोगों को, फिर वे बोलते हैं बकवास है, ये है, वे बोलते रहो, हो रहा है ना, ये बड़ी बात, तुमको समझ भी नहीं आ रहा कि कैसे हो रहा है। अब ये जो हो रहा है इसी की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो कनेक्ट हो रहा है, ये जो रेजोनेट हो रहा है उसके साथ, यही तो बड़ी बात है, इस यही तो उसमें जान फूंक रहा है साधारण के अंदर, ये बहुत बड़ी प्रक्रिया हो रही जयेश, कोई मामूली चीज़ नहीं हो रही, ये हो सब कुछ, अगर ये और 10 साल ये प्रक्रिया चली ना, उसके बाद हमको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो लग रहा है हो ही जाएगा,
क्योंकि मैं तो जब बाहर भी देखता हूँ दुनिया में तो बहुत चीज़ें हो रही हैं ना, तुम देखो यार मेरे को मन खुश हो जाता है। मैं जब सऊदी अरेबिया को देखता हूँ, यूएई को देखता हूँ, क्या हो रहा है वहाँ पे, कैसे हो रहा है। तो ये अभी समय और काल हमारे साथ है, है ना, इसको हमको रिकग्नाइज करना चाहिए। तो हो जाएगा, ये परिवर्तन बहुत अपने आप घटित होते हैं और बहुत स्मूथली होते हैं। मैं जो घर मेरा पक्का मानना है 15 साल में घर वापसी विल बी अ ह्यूज रियलिटी इन इंडिया। तुम देख रहे ऑलरेडी एक्स मुस्लिम मूवमेंट बहुत बड़ा है, लेकिन किसी के बोलने की हिम्मत अभी नहीं हो रही है उनकी। जैसे ही वो थ्रेशोल्ड से ऊपर जाएगा, ये ऐसे बम की तरफ फूटेगा। सर, तो हम शुरू से बात कर रहे थे कि संघर्ष से सभ्यता के संघर्ष से लेकर सभ्यता के बदलाव तक, यूएई में भी 14 फरवरी को हाँ और क्या, जो लोग मंदिर तोड़ते थे वो मंदिर का उद्घाटन वहाँ करने जा रहे हैं, कितनी बड़ी बात है यार। हाँ और क्या, ये वहाँ भी होगा, सऊदी अरेबिया में भी होगा, जस्ट वेट, होने वाला है वहाँ भी। तो ये इतना बड़ा शिफ्ट जो है, तो बहुत बड़ा शिफ्ट 2014 का, तो 14 के बाद का कुछ मतलब उनका एक बड़ा योगदान माना जाएगा। ऑफ कोर्स ये निमित्त है, मैंने फिर बात, मैं ये नहीं मानता कि उपादान कारण, उपादान कारण तो वही है, हाँ ये बड़ी घटना का उपादान कारण तो वही, पर ये बहुत वो चुनता है ना निमित्त, उसमें चुना गए हैं, ये निमित्त है। हाँ